Showdown over Rashtrapatni remark explodes. Massive ruckus took place in Parliament over Adhir Ranjan Chaudhary's remark, after which both houses were adjourned till Monday. The BJP is demanding that the Congress chief apologize for the comments made by her party MP. The workers of the Saffron Party hit the streets and burnt effigies of Adhir Ranjan Chaudhary in Haryana's Bhiwani. Congress hit back at BJP and held a protest against Union Minister Smriti Irani in Jammu. Meanwhile, Union Ministers Amit Shah and Smriti Irani met President Draupadi Murmu amid the controversy. Adhir Ranjan Chaudhary has also sought the President's time to apologize to her for his remark. 13 state women commissions have condemned the Rashtrapatni comment and issued a notice to Congress Member of Parliament Adhir Ranjan Chaudhary. Adhir Ranjan maafi mang unconditional maafi to nahi manga hai. First point ye hai. Dusri point ye hai. इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है. इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था. ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषता अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए. कांग्रेस की मानसिकता झलकती है कि कांग्रेस की सोच क्या है. एक संवैधानिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस के नेता ने किया है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमेशा से कांग्रेस को ये आदत रही है संविधान का धज्जी उड़ाने का, आज जिसका वो नतीजा भी भुगत रही है. इस अपमानित शब्द का जो प्रयोग हमने किया है देश के राष्ट्रपति के लिए, ये हम सब के लिए बर्दाश्त के बाहर है. आप सब के लिए बर्दाश्त के बाहर होना चाहिए, पूरे देश के लिए बर्दाश्त के बाहर है. सिर्फ इतनी सी बात है कि अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में आकर राष्ट्रपति के लिए किए गए इस शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया गया है अपमानित शब्द करने वाले शब्दों का, उसके लिए वो माफी मांगे. और सोनिया गांधी जी को इस विषय में उन्हें बोलना चाहिए कि अधीर रंजन जी लोकसभा में आकर माफी मांगे. नहीं नहीं कोई बात नहीं. और उनको धमकाया गया और एक तरीके से फिजिकली गलत बात बोलने की आदत है कांग्रेस पार्टी की. सब गलत बात मैं वहाँ पर थी कहा होगा एक महीना. ये भी कहा जा रहा है सांसदों द्वारा कि स्मृति ईरानी ने बोला कि आप नहीं जानती मैं कौन हूँ, जब सोनिया गांधी ने बोला कि मैं आपसे बात नहीं कर रही. कुछ इस तरह से आपने सुना? नहीं, 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 नहीं कुछ नहीं, सब बात होगी ना. माफी मांग लेगा अधीर रंजन, बात खत्म हो जाएगी. हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी, आइए उनसे बात करते हैं. सर हाउस क्यों अड़जान हो गया अधीर दादा? सरकार खुद हाउस भंग कर रही है. हम लोग बार बार गुहार लगाते हैं हमारी बात रखने को दिया करो. सदन के अंदर बीजेपी पार्टी की सारे बीजेपी पार्टी मैडम सोनिया गांधी जी को छोटा करने के लिए अपमान करने में लिए एकजुट हो चुके हैं. और आगे आगे दो चार नेताओं को एक मंत्री को सामने रख दिए हैं. ये बीजेपी पार्टी के मकसद ये है कि मैडम सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर भेजने से कोई काम नहीं बनी. अभी सदन के अंदर उनको मैडम सोनिया गांधी की अगर अपमान किया जाए तो भी बेहतर होगी. तो इसलिए सदन के अंदर ये बीजेपी पार्टी सारे इनको एमपी एमएलएस को मंत्री को तैनात किए हैं सिर्फ मैडम की अपमान करने के लिए. नहीं तो ये मुद्दा तो मेरे साथ बीजेपी पार्टी के, लेकिन बीजेपी पार्टी ये मुद्दा मैडम के साथ बना रहे हैं. इसमें इन लोग का नापाक इरादे साफ होते हैं. और कल अगर स्मृति ईरानी जी जो इनकी मंत्री है गोवा की गुस्सा उतारने के लिए जो सदन में आई है, अगर उनकी जो स्टेटमेंट सदन के अंदर रखी थी उसको अगर ठीक से देखा जाए, वो द्रौपदी मुर्मू क्यों करती है? हम लोग नाम नहीं लेना चाहिए किसी प्रेसिडेंट को, नाम नहीं लेना चाहिए. वो भी एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको नाम नहीं लेनी चाहिए. लेकिन कल उनकी स्टेटमेंट पढ़ा करो, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी कहने से काफी है. कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरह से उनके ऊपर सब चिल्लाने लगे चीखने लगे, और वो तो सिर्फ रमा देवी जी से बात ही करने गई थी सोनिया गांधी जी. अब तो उसमें क्या गलती कर ली, हम सबसे बात करते हैं. ये कल से नया तमाशा शुरू हुआ है कि ट्रेजरी बेंच के लोग जो हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं. तो आप में और अपोजिशन में क्या फर्क है? और एक एमपी ने तो प्लेकार्ड भी दिखाया, तो चेयर ने कहा कि नहीं नहीं शी इज एजिटेटिंग. तो वो एजिटेट करें तो ठीक है, हम एजिटेट करें तो ठीक नहीं है. गलत जी के साथ हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. कांग्रेस पार्टी ने कबूल किया कि अधीर रंजन जी के द्वारा जो कहा गया शब्द था वो राष्ट्रपति के छवि को चोट पहुंच सकती है, इसलिए वो राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं और अपना
अपने क्षमा व्यक्त करना चाहते हैं अगर उनको चोट पहुंची, लेकिन भाजपा उसके विपरीत आज उन्होंने जो सोनिया गांधी जी के विरोध में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, क्रूर व्यवहार किया, उसमें उनकी जो गलती और खामियां हैं उसको कबूलने के लिए भी तैयार नहीं, उसके प्रति क्षमा मांगने के लिए भी वो तैयार नहीं। तो ये फर्क है, साफ साफ दिखाता है कि ये भाजपा की एक सोची सूची ये समझी हुई साजिश है। कभी गलती होती है तो उसको इतना बड़ा इश्यू बनाना और कहना, और वो उन्होंने खुद ही ने कहा कि ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग, इसके बावजूद भी आप हंगामा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी श्रीमती सोनिया गांधी जी से कोई ताल्लुक नहीं उसका, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के लोग हाउस अडजर्न होने के बाद ये बात बार बार बता रहे, तो इससे यही जाहिर होता है कितना जहर उनके पास, वो जहर उगल रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ। Now the Congress hit back at the BJP by organizing a havan in Bengaluru. Congress took a jibe at Smriti Irani and said that the party is sending get well soon cards to the union minister. Youth Congress of Karnataka today are doing a havan, praying that Smriti Irani's mental well-being should be taken care of, is what they are saying. As you can see, havan is going on here with Smriti Irani's photo kept in the background. And this is done by the Youth Congress of Karnataka. They're also sending postcards to Union Minister Smriti Irani saying, get well soon, Auntie G, is what the postcard reads. But in front of the Congress office today, a havan is being carried out for mental well-being of Smriti Irani. They claim that after what happened yesterday, the argument with AICC President Sonia Gandhi, they are praying for her well-being, and they are doing a havan right here at the Congress office. The Youth Congress Karnataka has taken up this whole issue of Smriti Irani targeting Sonia Gandhi and other Congress leaders time and again, and they feel that things are not okay with all BJP leaders, and they need their negative energy to be taken away from them, and that's why there's a havan being carried out here by them, by the Youth Congress of Karnataka, hoping that they have better positivity and better mental well-being for the BJP leaders. Nagarjun Dwarkanath for India Today. Smriti Irani ji is a very good, talented actor. But the parliament is not the place to show your acting skills. Your acting skills you show on the TV serial, in the soaps, not in the parliament. And when a senior lady like Mrs. Sonia Gandhi, who is above the age of 75, who is the president of Congress party, you misbehave with such a person, what is your mindset? Your brain is not functioning as a normal person. She's lost her cool. Today the Karnataka Youth Congress has organized a homa for her, and we pray that she gets well soon. We are running a postcard campaign across India that get well soon, Auntie G, is going to be sent to her from across Karnataka. All the youth of Karnataka are going to be doing